students how are you i hope you all are doing good today we are starting a new chapter which name is the great uprising and before starting the chapter we have to know some important terms like mutiny that is rebellion by soldiers infantry that means branch of army consisting of foot soldiers and Boys that are Indian soldiers in the company's army. Okay. Now the revolt of eighteen fifty seven. The revolt of eighteen fifty seven

क्योंकि इस रिवोल्ट में मोस्टली जितने भी इंडियन रूलर थे वो यूनिटी में आकर सब ने एक चीज ठान ली थी कि हमें फॉरेन कंट्री यानी ब्रिटिशर्स को इंडिया से हटाना है फाइन इसीलिए दो तो, रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है ये बहुत ज्यादा फेमस थी नाउ व्हाट वाज़ द नेचर ऑफ द रिवोल्ट the nature of this revolt is much debated in fact from the point of view of its extent and the nature of its participation the revolt is considered as the first struggle for indian independence अलग अलग डिबेट है इस चीज पर कि ये रिवोल्ट क्यों हुई थी कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया को आजाद कराने के लिए या इंडियन इंडिपेंडेंस की तरफ ये फर्स्ट स्टेप था एंड द ब्रिटिश हिस्टोरियन ऑफ द टाइम हाउ एवर कोल्ड इट सिपाई मिटनी कुछ कहते हैं इसको कि एक सिपाही मिट्टनी थी यानी एक सिपाहियों ने जो एक लड़ाई शुरू की ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो थी देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट द रिवोल्ट वॉज एन ऑर्गेनाइज मूवमेंट इट वॉज इज द नेशनल फिलोसफी एंड रिप्रेजेंटेड अ नेशनल आउटलुक इन द कंटेक्सट ऑफ दोज इन प्रिंसिपल इट वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट फॉरनर्स एंड रिप्रेजेंटेड अ डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस और इस बात को कोई गलत साबित नहीं कर सकता कि एटीन फिफ्टी सेवन की जो रिवोल्ट थी वो फॉरनर्स के अगेंस्ट थी और इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश थी नाउ वॉट आर द कोजेज ऑफ दिस रिवोल्ट फर्स्ट इज पॉलिटिकल कोज वेरियस Policies of conquest and annexation at different times not only affected the Indian ruling class but also the sentiments of general population as well. जो ब्रिटिशर्स की बहुत सारी नई पॉलिसीज़ थी ठीक है कनकस्ट करना और एनेक्स करना उस जगह को उसमें अपनी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करना तो बहुत सारी जो इंडियन रूलिंग क्लास थी या बहुत सारी जो पॉपुलेशन थी वो बिल्कुल उनके अपोज थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करनी नहीं पा रही थी ओके तो बहुत सारे जो इंडियन रूलर थे जैसे कि रानी लक्ष्मी बाई ऑफ झांसी नाना साहेब एंड द नवाब ऑफ अवध द मुगल एम्प्रर बहादुर शाह

हैड डिस मैनी लैंड होल्डर्स ऑफ दियर लैंड इकोनमिक कोजिज इकोनमिक कोजिज क्या थे ऐसी पॉलिसी ऐसे जो रेवेन्यू कलेक्शन की ऐसी पॉलिसीज और सेटलमेंट ऐसी इंट्रोड्यूस की ब्रिटिशर्स ने कि बहुत सारे जो जागीरदार थे या लैंड लोड थे वो अपनी ज़मीन खो चुके थे नियरली ट्वेंटी थाउजेंड जो बिग लैंड लोड थे वो लैंड लेस हो चुके थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड डलहोजी ओके तो इस टाइम क्या था जितने भी जमींदार थे वो क्या चाहते थे ये रेवेन्यू सेटलमेंट का जो सिस्टम बनाया है उसके हमें बाहर कैसे निकलना है कैसे हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ उठ सकते हैं कैसे इनकी पॉलिसीज़ को हम हटा सकते हैं तो दिस इज़ द इकोनॉमिक कॉज कि बहुत सारी जो इंडिया थी वो गरीब होने लगी थी और ब्रिटिशर्स थे वो रिच होने लगे थे एंड दिस पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ थी दैट कंप्लीटली रून द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एज वेल एज़ एग्रीकल्चर Also, this is the economic cause, third is social cause. The British social policies proved determined for the whole Indian society, social reform measure, the promotion of Western education at the expense of oriental learning and the And the introduction of railways and telegraph and the disparaging of hindu religion by the christian missionaries etc proved damaging to the fabric of the traditional indian society और इंडियन सोसाइटी के खिलाफ ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स की लग रही थी जैसे कि अपना एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करना टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस करना रेलवेज़ इंट्रोड्यूस करना और रिलीजन हिंदू रिलीजन के खिलाफ क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भेजना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिश्चियन को क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करें तो इस चीज़ों से जो हिंदू पीपल थे उनके सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे थे तो दिस इज़ द मेन सोशल कोज नेक्स्ट इज़ मिलिट्री कोज मिलिट्री कोर्स मिलिट्री में इंडियन पीपल को जगह तो दी जाती थी लेकिन उनका जो रैंक था वो सूबेदार से ऊपर नहीं होता था ओके ना ही उनको इतने ज़्यादा वेपन्स दिए जाते थे उनको सैलरी बहुत कम मिलती थी और दूसरा बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जैसे कार्टेज में ऐसा र्यूमर फैला था कि कार्टेज में काओ का जो आ, मीट है वो यूज़ हो रहा है तो उससे क्या होता था जो हिंदू मिलिट्री में जो हिंदू ट्रूप था वो बहुत ज्यादा हर्ट हुआ उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुई तो दिस इज द मिलिट्री कोर्च नेक्स्ट इज द इमीडिएट कॉजिस द न्यू एनफील्ड Pritchard rifles were introduced in the army. Their cartridge was smeared with cow and pig fat. It was a sin for both the Hindus and the Muslim soldiers to use their te to tear off their cartridge before use. But the British authorities forced the Indian soldier to do so. This was the most powerful and the immediate cause of the revolt. एंड इमिजिएट कोज क्या था कि जो एक कार्टेज इंट्रोड्यूस हुई थी ऐसा र्यूमर था कि उसमें काओ और पिक का फैट यूज़ हो रहा है ओके तो उसको आ, क्या करना होता था कार्टेज को मुंह से माउथ से पुल करना होता था यूज़ करने के लिए तो वहां पर इंडियन और मुस्लिम दोनों के सेंटिमेंट हर्ट हो रहे थे उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फोर्स किया ऐसा करने के लिए तो ये माना जाता है इमीडिएट कोस इसी कारण इस रिवोल्ट को सिपॉय म्यूटनी के नाम से भी जाना जाता है द कोर्स ऑफ द रिवोल्ट द रिवोल्ट स्टार्टेड फॉर ब्रथपोर कहां से स्टार्ट हुई थी ये बरेकपोर इन बंगाल इन मार्च 1857 जहां पर मंगल पांडे एन इंडियन सिपोए शोड डाउन द ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ द रेजिमेंट व्हिच वाज डिस्बैंड इमिजिएटली एंड द न्यूज ऑफ द बिगनिंग ऑफ द रिवोल्ट स्प्रेड क्विकली और मंगल पांडे से ये रिवोल्ट शुरू हुई थी बहुत जल्दी ये रिवोल्ट जो है देश के कोने कोने तक स्प्रेड हो गई द एक्चुअल रिवोल्ट ब्रोक आउट एट मेरठ इन मे एटीन फिफ्टी सेवन

उन्होंने ब्रिटिशर्स को मार दिया उनके घर जला दिए और जो प्रिजनर थे उनकी जेल में जो बंद थे उनको रिहा करा दिया फ्रॉम मेरठ द सोल्जर्स मार्स्ट टू डेली वेयर वर ज्वाइन बाय द इंडियन गैरिसन बहादुर शाह जफर वॉज प्रोक्लेम्ड द एम्प्रर ऑफ इंडिया और वहाँ से मेरठ से ये लोग मार्च करते हुए फुट डेली पहुँचते हैं जहाँ पर बहादुर शाह जफ़र को ज्वाइन करते हैं हु वॉज द एम्पायर ऑफ इंडिया दैट टाइम within a short time, the revolt spread from river satluj to river narmada. delhi, Bareilly, lucknow, kanpur, agra, banaras, jhansi, and many places in rajasthan and bihar became centers of the revolution. and Kuwar singh directed the course of the revolt in bihar, while nana sahib led it from kanpur. ahmadullah directed the revolt at lucknow. hakim anshullah at delhi, whereas Shah actively involved himself at मंदासपुर तात्या टोपे टुक अप द लीडरशिप एट ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई फोर्ट पिस्ट बैटल ऑफ झांसी द ब्रिटिश पावर इन इंडिया वॉज टोटरिंग एंड स्टूड एट इट्स डार्केस्ट आर एट दैट टाइम तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के अलग अलग जगह पर अलग अलग हीरो रहे हैं या फिर हम कह सकते हैं लीडर्स रहे हैं ठीक है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान किया और ये जो रिवोल्ट थी ये बहुत बड़े स्केल पर थी बहुत लार्ज स्केल पर थी जो देश के अलग अलग कोने से लड़ी गई थी नाउ सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट कैसे इस रिवोल्ट को ख़त्म किया गया कैसे इसको सप्रेस दबाया गया सिख रेजिमेंट्स इन पंजाब रिमेंड अलू फ्रॉम द इंसरेफेक्शन सिमिलरली मैनी पार्ट्स ऑफ राजस्थान सर्दन इंडिया एंड कश्मीर रिमेंड अंडर ब्रिटिश कंट्रोल बहुत सारे जो ऐसे पार्ट थे बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहे जो रिवोल्ट में हिस्सा नहीं ले पाए द निज़ाम ऑफ हैदराबाद द बेगम ऑफ भोपाल द किंग ऑफ नेपाल एंड मराठा चिफ्टियन सिकिंदिया एट ग्वालियर केम फॉरवर्ड टू हेल्प द ब्रिटिश ये लोग ब्रिटिशर्स की हेल्प के लिए आए एंड डेली वॉज सून टेकन अप बाय द ट्रूप्स अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल निकोलसन और जनरल निकोलसन की लीडरशिप में डेली को बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी कैप्चर कर लिया गया द इज इट बहादुर शाह टू वॉज टेकन प्रिजनर एंड वॉज डिपोर्टेड एट रंगून वेयर ही डायड इन एटीन सिक्सटी टू और बहादुर शाह टू जो कि लास्ट मुगल किंग था उसको पकड़ लिया गया जेल में डाल दिया गया और रंगून डिपोर्ट कर दिया गया जहां 1862 में उसकी डेथ हो जाती है हिज टू सन्स एंड ग्रैंड सन्स व एक्जीक्यूटेड इन फ्रंट ऑफ हिम वाई लखनऊ फेल टू द ब्रिटिश कमांडर इन चीफ कॉलिन कॉम्वेल रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी डाइड फाइटिंग हीरोइकली एट ग्वालियर हर इन आर्म्स तांतिया टोपे वॉज कैप्चर्ड एंड हैंग टू डेथ कुमार सिंह टू फेल इन द बैटल फील्ड नाना साहेब वॉज ऑल्सो डिफिटेड एंड फ्लैट टू नेपाल फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और जैसे जो प्रोमेंट लीडर थे जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई जो अपने बच्चे को अपनी गोदी में लेकर लड़ी थी ओके okay, उसके अलावा तांत्या टोपे जो एक लीडर थे बहादुर शाह तो इस तरीके से हर एक लीडर को पकड़ लिया गया जेल में डाल दिया गया या एग्जीक्यूट कर दिया गया या डिपोर्ट कर दिया गया इस तरीके से जो ये फर्स्ट पहल थी की तरफ उसको ब्रिटिशर्स ने एंड कर दिया सुप्रेस कर दिया Now, causes of the failure of the revolt. क्या कारण थे इस रिवोल्ट के फेल होने के Though द revolutionaries फोर्ट valiantly, दे लैक द यूनिफाइड कमांड एंड वर अनेबल टू ऑर्गेनाइज द यूनाइटेड फ्रंट यूनाइटेड नहीं हो पाए हर एक जगह अलग अलग कोने से ये रिवोल्ट हुई थी लेकिन एक साथ कोई कमांड करने वाला नहीं था देर वॉज नो कॉर्डिनेशन अमंग दैम एंड नो क्लियर कट गोल ना ही आपस में टीम का या अलग अलग स्टेट का कोई कोऑर्डिनेशन था ना ही कोई क्लियर गोल था इंडियन सोल्जर्स फोर्ट जेलेंटली बट विदाउट एनी एफिशियंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एनी एडवास्ड आर्म ना ही उनके पास जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने भी बहुत ब्रेवली फाइट की लेकिन ना ही उनके पास इतने ज़्यादा हथियार थे ना ही उनकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से एफिशियटली ऑर्गेनाइज की गई थी देर वॉज़ नो फोर प्लानिंग बिफोर द आउट ब्रेक ऑफ द रिवोल्ट ना ही रिवोल्ट होने से पहले कोई प्लानिंग की गई इट वॉज देयर फोर क्वाइट ईजी फॉर द ब्रिटिश ट्रूप्स एंड देयर एफिशियंट जनरल टू डिफीट द रेवोल्यूशनरीज इसीलिए ब्रिटिश जनरल के लिए ये बहुत आसान हो गया क्योंकि अलग अलग कोने से थी तो अलग अलग लीडर्स थे कोई एक लीड नहीं कर रहा था तो ब्रिटिश ट्रूप के लिए बहुत ईजी हो गया था इस रिवोल्ट को एंड करना सुप्रेस करना Now the consequences of the revolt. Kya consequences yanikya result revolt ka? There were both immediate and long term consequences of the revolt. As an immediate fallout of the revolt, the governor of India passed from the hands of the British East India Company into the hands of British Crown in 1858. First immediate रिजल्ट क्या आया कि जिसको अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी उसको अब रूल को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया टू द ब्रिटिश क्राउन इन 1858 एंड द न्यू रेजिमी वॉज प्रोनाउंस इन द क्वींस प्रोक्लेमेशन इट एक्सप्रेस द ब्रिटिश गवर्नमेंट विलिंगनेस टू हब इंटेंशंस टू एक्सटेंड टेरिटरीज नो मोर एंड टू एक्सपेक्ट राइट डिग्निटी एंड ओनर ऑफ द इंडियन प्रिंसेज इट ऑल्सो डिक्लेयर इट्स आंस्ट डिजायर टू हेल्प इंडियंस इन जनरल और उसके बाद जब क्राउन जो था वो ब्रिटिश क्राउन को शिफ्ट कर दिया गया पूरी गवर्मेंट पूरा जो भी आ, इंडिया का गवर्नमेंट सिस्टम था उसके बाद उनसे एक ओथ ली गई कि वो जो इंडिया के प्रिंस हैं उनके रिस्पेक्ट रखेंगे उनकी डिग्निटी मेंटेन रखेंगे उनका ऑनर करेंगे But these assurances were hollow and the actually gulf between the alien government and the Indians could never be bridges. The nationalist नेशनलिस्ट had हैड बिगेन और लेकिन ये जो प्रोमिसज किए गए थे ये बस होलो थे यानी कि खोखले थे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इसीलिए फिर से जो इंडियन थे वो एकजुट हुए अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए नाओ सम अदर पॉपुलर मूवमेंट ओके okay, जो रिवोल्ट थी, 1857 की ये फर्स्ट आर्म रेजिस्टेंस नहीं थी इसके अलावा भी और भी बहुत सारी ऐसे रिवोल्ट जगह जगह पर अलग अलग टाइम पर होती आई है जैसे कि पीजेंट्स की जो मूवमेंट थी पीजेंट्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े थे उसके अलावा और उस टाइम पर कौन सी मूवमेंट थी रिवोल्ट लेड बाई सन्यासीज एंड फकीर इन बेंगोल इन सेवनटीन एंड दैट रिवोल्ट लेड बाई द वाबीज अंडर Sayyid Ahmad Barelvi between 1832-1870 and the Farazi Revolt. Farazi Revolt under Dadu Mian in Bengal between 1837-1848. to 1848. और उसके अलावा जमींदार्स और लोकल रूलर के बीच में रिवोल्ट चल रही थी एंड सो ऑन अलग अलग ऐसे ट्राइबल मूवमेंट हम पढ़ चुके हैं कैसे ट्राइबल पीपल ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे तो 1857 की जो रिवोल्ट है उस टाइम पर अलग अलग एरियाज में उस ड्यूरेशन पर और उससे पहले बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे रिवोल्ट अलग अलग जगह पर चल रही थी नाउ कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ एटीन फर्स्ट इज The mutiny was localized. It could not engulf the entire country to become an all Indian struggle since Punjab and Bengal remained unaffected while Rajputana remained loyal to the British. The Gorkhas of Nepal and the Sikindia helped the British to suppress the revolt. Kya the revolt? Ke? फेल uh, होने के फर्स्ट जो राजपूत थे वो ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल थे उसके अलावा जो गुरखाज ऑफ नेपाल और सिकिंदिया जो थे वो भी ब्रिटिशर्स की हेल्प करी उन्होंने भी रिवोल्ट को सुप्रेस करने के लिए यानी पूरी की पूरी इंडियन जो थे पूरे इंडियन जो थे पूरी कंट्री जो थी इस रिवोल्ट में यूनाइटेड नहीं थी सेकेंड द रेबल्स लैग द सेंट्रल लीडरशिप एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी यानी सबको एक जगह से कंट्रोल करने वाला ऐसा कोई भी लीडर नहीं था रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वॉज नोट एन एक्सपीरियंस जनरल जनरल भक्त खान वॉज अ ब्रिलियंट प्रैक्टिन बट ही वॉज नॉट चार्ज ऑफ द होल शो इसीलिए जो अलग अलग लीडर थे वो अपनी जगह से बेस्ट लीडर थे लेकिन वो सेंट्रल लीडरशिप नहीं कर पाए नेक्स्ट इज द रेबिल्स लैक्ट मॉडर्न आम इतने आधुनिक हथियार नहीं थे नेक्स्ट इज द रेबिल्स है अपराइजिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ दंट्री वॉज नॉट वेल कोर्डिनेटेड जो रेबिल थी ये, ये इतनी फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम नहीं थे कि आगे अगर ये फेल हो जाएगी रिवोल्ट तो आगे क्या करना चाहिए ना ही पहले कोई प्लान डिस्कस किया गया था कि कैसे इस रिवोल्ट को ऑर्गेनाइज करना है नेक्स्ट इज द रेबल लीडर्स वर ब्रेव एंड पैट्रियोटिक बट दे वर नॉट गुड जनरल्स क्योंकि उन्होंने कहीं से मिलिट्री uh, ट्रेनिंग नहीं ली थी वो अच्छे लीडर थे पैट्रियोटिक भी थे लेकिन अच्छे जनरल यानी कमांड नहीं कर पाए नेक्स्ट इज द रेबल्स लेक रिसोर्स बोथ इन मैन एंड मनी वेयर इज द ब्रिटिश हैड इमेन्स एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ मैन मनी एंड आर्म्स जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके पास पैसा भी कम था लोग भी कम थे लेकिन ब्रिटिशर्स के पास सारी ही चीजें मौजूद थी नेक्स्ट एज द मनी लैंडर्स वर टारगेटेड बाय द विलेजर्स दे ग्रू होस्टाइल टू द रिवोल्ट एंड मर्चेंट्स ऑफ बिग सिटीज लाइक बॉम्बे कैलकटा मद्रास एट्रा सपोर्टेड द ब्रिटिश बिकॉज दे आर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ले विद ओके जैसे जमींदार थे मनी लैंडर थे वो विलेजर्स पहले ही विलेजर्स जो थे उनको टारगेट बना चुके थे तो मनी लैंडर जो थे उन्होंने भी ब्रिटिशर्स की हेल्प की उसके अलावा जो मर्चेंट थे बड़े बड़े उन्होंने भी ब्रिटिशर की हेल्प की क्योंकि उनका बिजनेस तो ब्रिटिशर्स के कारण ही चल रहा था नेक्स्ट इज एडुकेटेड एंड मिडिल क्लास इंडियंस टू डिड नाट सपोर्ट द रेबल्स पढ़े लिखे जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने भी इस रेबल में सपोर्ट नहीं किया Next is the rebels ignored the peasants. While they appealed to all other sections of society to assist the revolt, the peasant who formed the bulk of population were completely ignored. इस रेबल में 1857 की रेबल में किसानों को पीजेंट्स को इग्नोर किया गया उनको अपने ग्रुप में यानी रेवोल्यूशनरी ग्रुप में शामिल नहीं किया गया हालांकि वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में भी थे फिर भी उनको इग्नोर किया गया दिस इज द मेन रीजन नेक्स्ट इज द ईयर 1857 फिफ्टी सेवन वॉज फेवरेबल टू द ब्रिटिश मिलिट्री द सिरमन वॉर वॉज ओवर इन एटीन फिफ्टी सिक्स वाइल द चाइनीज वॉर हैड जस्ट गोट ओवर इंटरनेशनली द इंडियन रेबल्स वर आइसोलेटेड एटीन फिफ्टी सेवन जो ईयर था वो ब्रिटिश मिलिट्री का ईयर था ओके तो उनकी जीत होनी निश्चित थी द ब्रिटिश कंट्रोल्ड दीज एंड ब्रिटिश ट्रूप फ्राम एब्रोड वर एट द्रिटिश कंट्रोल द सीज एंड ब्रिटिश ट्रूप्स फ्रॉम एब्रोड एब्रोड से कंट्रोल किया जा रहा था ब्रिटिश पूरे सीज को एंड ब्रिटिश ट्रूप्स को रिवोल्ट ओके okay, ये हमने पढ़े कि क्या कॉजे थे क्यों ये रिवोल्ट एक फेलियर हुई okay, अब हम पढ़ेंगे इसके क्या इफेक्ट हुए रिवोल्ट तो हुई तो इसके क्या प्रभाव पड़े क्या इफेक्ट पड़े फर्स्ट इज द रिवोल्ट ऑफ 1857 फिफ्टी सेवन मार्क द एंड ऑफ द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय एन एक्ट पास द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन अगस्त फिफ्टी एट द गवर्नेस ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन ओके सबसे इमीडिएट रिजल्ट क्या आया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पूरी गवर्नमेंट थी इंडिया की अब इसको ट्रांसफर कर दिया गया टू द ब्रिटिश क्राउन अ मिनिस्टर इन द ब्रिटिश कैबिनेट नोन एज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया अब जो ब्रिटिश कैबिनेट में जो एक मिनिस्ट्री होगा दैट वॉज नोन एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट

Next is in November 1858, Queen Victoria issued a proclamation assuring the Indians of a better treatment. क्वीन विक्टोरिया ने 1858 नवंबर में एक प्रोक्लेमेशन भेजा जिसमें ऐसा लिखा गया था कि इंडियन पीपल जो हैं उन्हें एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और उन्हें बहुत अच्छी लाइफ जीने को मिलेगी द डट्राइन ऑफ लैप्स वॉज एबोलिश्ड एंड द प्रिंस वर एश्योर दैट देय राइट्स एंड ऑनर्स वुड बी रिस्पेक्टेड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी थी इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स उसको अबोलिश कर दिया गया ख़त्म कर लिया गया और जो राजकुमार थे या न्यू हेडिट्री जो भी थ्रोन के लिए उम्मीदवार थे कैंडिडेट थे, थे उनको एश्योरेंस दिया गया कि उनकी राइट्स और ऑनर्स की रिस्पेक्ट की जाएगी एंड द नेक्स्ट इज द क्राउन प्रोमिस नो टू इंटरफेयर इन द सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ द पीपल and indians were henceforth to be associated with the administration and were to be included in the legislative councils कि जो इंडियन पीपल हैं उनको भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में सम्मिलित किया जाएगा और वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में टेक पार्ट कर सकते हैं एंड द आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज आर्मी को फिर से ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें से जो ब्राह्मण एलिमेंट थे उनको हटा दिया गया और उनकी जगह गुरखास सिक्स जाट्स राजपूत पंजाब्स एंड द पठानस उनको जगह दी गई एंड द आर्टली वोज टू बी एक्सक्लूसिवली मैन बाय द यूरोपियंस एंड द रिवोल्ट ऑफ एटीन क्रिएटेड अ लोट ऑफ बिटरनेस बिटवीन द इंडियंस एंड द इंग्लिश मैन जो रिवोल्ट थी 1857 की इससे बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ गई थी बिटवीन द इंडियंस एंड द इंग्लिश मैन एंड द रिवोल्ट रिजल्टेड इन द टाइटनिंग ऑफ द कंट्रोल ऑफ इंडिया फ्रॉम लंदन एंड द ब्रिटिश हैंसफोर्ड प्रेशर्ड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू प्रिवेंट इंडियंस फ्रॉम यूनाइटिंग अब जो इंडिया का कंट्रोल था जो इंडिया का गवर्नमेंट uh, एडमिनिस्ट्रेशन था वो डायरेक्ट किसके कंट्रोल में आ गया था फ्रॉम लंदन ओके फ्रॉम द क्राउन ऑफ लंदन नाउ इंडिया में ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की ताकि उनको यूनाइटेड ना होने दिया जाए लास्ट बट नॉट द लीस्ट द रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन वॉज अ ग्रेट स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश एम्पेरलिज्म इट पेव द वे फॉर द राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट यस yes, इस मोमेंट से ये पता लगा इंडियंस को कि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो सकते हैं अगर हम यूनाइटेड होकर उनके खिलाफ होंगे तो शायद हम इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे तो इससे एक नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई द नेचर ऑफ ए लाइट एंड पीजेंट पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन द पीजेंट्स ऑफ मोस्ट ऑफ अवध एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश फॉर गोड देयर ऑपरेशन बाई द लोकल जमींदार्स एंड जॉइन हैंड्स विद दैम अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एटीन फिफ्टी सेवन के रिवोल्ट के बाद जो पीसेंट थे मोस्टली ऑफ अवध एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वो जो भी ज़मींदार ने उनके साथ किया था उस सब को भुलाकर सब लोग एक साथ ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हुए They played a heroic part, displayed great military skills, power, and achieved victories. However, they had to pay very bitterly for this display of patriotism. और इसमें इतना ज़्यादा पेट्रिटिज़म था कि दोनों ने मिलकर ऐसी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हम पढ़ सकते हैं कि इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत कुछ किया है जो कि देशभक्ति की भावना को दर्शाता भी है और इसके कारण बहुत सारी चीज़ें भी उन्हें बिटरली फेस करनी पड़ी आफ्टर द रिवोल्ट वॉज क्रश द लैंड्स ऑफ द पीजेंट्स वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द जमींदार्स एंड दे वर रिड्यूस्ड फ्रॉम द स्टेटस ऑफ propertyers to that of the tenants at will of their own former land. और आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 उनको अपनी लैंड को छोड़ना पड़ा क्योंकि लैंड जो थी वो ज़मींदार के अंडर आ गई थी नाउ दैट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द जमींदार और एक प्रॉपर्टी और होते हुए भी उन्हें एक टीनेंट बनना पड़ा द पीजेंट्स ऑफ द मेरेट डिविजन वर मेड टू पे सम समिशनल केसेज प्यूनिटिव इम्पोज फॉर पार्टिसिपेशन इन द रिवोल्ट इस तरीके से अलग अलग पीजेंट्स को अलग अलग हार का फाइन का अलग अलग चीज़ों का सामना करना पड़ा द अलाइट इंडियंस हाउर डिड नोट सपोर्ट द रेबल्स जो अलाइट इंडियन थे यानी जो इनके पास सारी सहूलियत थी जो अच्छे से लग्जरी लाइफ जी रहे थे उन्होंने भी इन रेवोल्यूशनरीज का रेबल्स का सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उनका कहना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया की जो फ्यूडरल फोर्सेज हैं उनको हटा रहे हैं उनको एबोलिश कर रहे हैं और इंडिया को एक प्रोग्रेस की तरफ लेकर जा रहे हैं ओके तो दीज आर द सम ड्रॉबैक दैट्स वाई जो हमारी 1857 की रिवोल्ट है वो सफल नहीं हो पाई नाउ हेर इज अ क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 फिफ्टी सेवन वॉज अ ग्रेट अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया विच शूक द एवरी फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया English historians and the British government called it only a mutiny while many Indian writers described the revolt as the first war of independence There were many causes of the revolt political social and religious economic and military The immediate causes of the revolt was however the incident of greased cartridges of rifles the revolt started from Meerut on 9th May 1857. On 10th May, the cavalrymen attacked the jails, set the imprisoned soldiers free and killed many British officers. The revolt spread to Delhi, Kanpur, Lucknow, Faizabad, Jhansi, Rohilkhand and Arham. Bahadur Shah Jafar, the last Mughal emperor, Nana Sahib, Begum, Hajrat Mahal, Molvi Ahmadullah, Rani Lakshmi Bai of Jhansi, Kuwar Singh, Khan Bahadur Khan, Tantya Tope, Azimullah, etc., were the leaders of the revolt. And the revolt was finally suppressed in 1859. It ended in failure due to lack of organization, struggle, and resources. And however, there were far reaching impacts of the revolt. The rule of the company ended and the rule of law passed on to the British crown. The revolt paved the way for the national struggle for freedom. I hope Achoo, you have understood the chapter. You have to read it once again thoroughly and do the exercise yourself.